अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल हंग्री टमी। आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको खुश रखे, आबाद रखे, ढेर सारी खुशियां, सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला आने वाला रमजान हमारे लिए बेहतरीन बनाए, हम उसका मुकम्मल तौर पे फायदा उठा सके, आमीन इंशाल्लाह ताला। कोशिश तो यही है, आगे अल्लाह ताला जो है वो मालिक है, देखते क्या होता है क्या नहीं। लेकिन फिलहाल तो यही कोशिश है कि जो रमजान है उसमें ज्यादा से ज्यादा इबादत और बाकी सब काम तो चलते ही रहते हैं। साल में एक बार ये महीना आता है तो उसका जितना आप फायदा उठाएं वो कम है, तो उसकी तरफ जो है वो ज्यादा रुझान होगा। मैं आपके साथ इंशाल्लाह अपना जो मेरा स्केड्यूल होता है वो भी मैं शेयर करूंगी कि मैं रमजान में कैसे जो है वो प्रेप वर्क करती हूँ या चीजें करती हूँ, तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज जी हम बना रहे हैं बड़े ही मजेदार और मेरे फेवरेट, आई एम श्योर ये सबके ही फेवरेट है, ऑफकोर्स स्प्रिंग रोल। चिकन स्प्रिंग रोल भी, वेजिटेबल स्प्रिंग रोल भी, हर तरह के चीज रोल्स भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन मैं वो टिपिकल जो होते हैं मैं वही बनाती हूँ, दे आर माई मोस्ट फेवरेट। और एक और जो है वो रेसिपी बहुत अच्छी मुझे मिली, वो मैं अलग से बनाती हूँ, वो है चिकन एंड चीज रोल। तो आज मैं आपको दोनों रेसिपीज इसी में दूंगी, यानी दो फिलिंग्स की रेसिपी दूंगी। आप दोनों भी बना सकते हैं, एक चाहें तो एक भी बना सकते हैं। मैं दोनों बना लेती हूँ, वैरायटी भी हो जाती है, आपको पता है आगे जाके इफ्तारियां भी करनी होती हैं, तो उससे जो है ना आपको फायदा हो जाता है, आप दो वैरायटीज भी बना सकते हो और बहुत मजे के बनते हैं दोनों ही। अच्छा, सबसे पहले जो है वो जो हमारी नॉर्मल फिलिंग होती है ना वो ये, मैंने ना पैन में ऑयल ले लिया था और उसमें मैंने ना गार्लिक सोते किया था थोड़ा सा, वो मैं दिखाना भूल गई थी, और मैंने बॉयल्ड चिकन लिया था, ठीक है। ये प्रेप वर्क मैंने रात को किया था और फिर मैंने कहा मैं अगले दिन उठ के आराम से बना लूंगी। जब वो थोड़ा सौते हो गया था मैंने अपनी सब्जियां जो है ना वो शामिल कर दी थी, गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी। आप चाहें तो कोई सब्जी स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर होता है कुछ चीजें बच्चे नहीं खाते, लेकिन चोरी चोरी डालती हूँ, कई बार उनको पता भी नहीं चलता। बाकी वही सीजनिंग और ड्रेसिंग सेम, सोया सॉस, उसके अंदर चिली गार्लिक सॉस, ठीक है। आपके पास चिली गार्लिक नहीं है, खाली चिली सॉस भी चलती है, वैसे यूजली चिली सॉस ही डलती है, लेकिन मेरे पास चिली गार्लिक थी तो मैंने वही डाल दी। उसके साथ काली मिर्च, नमक, सिरका और ये सब जो नॉर्मल हमारा होता है वही मैंने डाला था, और इसको अच्छी तरह से पकाया, लेकिन फ्लेम हाई रखना है, ठीक है, ताकि सब्जियां जो अपना पानी ना छोड़ें। तो फ्लेम हाई जब रहता है तो सब्जी में पानी जो है ना बिल्कुल नहीं निकलता। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे हाई रखेंगे तो बेहतरीन बनेगा, जलती नहीं है आप साथ साथ, क्योंकि उसको हिलाते रहते हैं ना। बाकी जो है कि नमक मिर्चें आपने एडजस्ट करनी है अपने हिसाब, बहुत ज्यादा मिर्चें नहीं होती इसमें। और एक और चीज थी, मैंने इसमें ना सब प्याज भी डाले थे, ग्रीन अनियन, तो वो मैं जब थोड़ा ठंडा हो गया था तब, क्योंकि बाद में याद आया था तो वो भी मैंने बाद में शामिल कर दिए थे इसमें, इस वक्त मैं डालना भूल गई थी। तो बस इसको डिश में निकाल के मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, गरम गरम फिलिंग कभी भी नहीं करते, आपकी जो शीट्स होंगी वो फट जाएंगी। अच्छा, फिर वही पैन मैंने लिया था, धोने वोने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें मैंने ऑयल डाला था और उसमें मैंने जो है ना गार्लिक शामिल कर लिया था, फ्रेश गार्लिक है तो वो शामिल कर ले, नहीं है तो आप उसकी बजाय जो है ना ऑल्टरनेट गार्लिक पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको फ्रेश नहीं करना। फिर इसमें आपने चिकन लेना है, उसको छोटा छोटा क्यूब्स काट लेना है, ठीक है, उसको गार्लिक और उसको अच्छी तरह सौते कर लेना है। तो चिकन का जब पानी कलर चेंज होता है, पानी उसका आपने ड्राई कर लेना है, पानी नहीं छोड़ना उसमें, ठीक है। अच्छी तरह से जब चिकन जो है ना वो पक जाएगा, उसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, उसके बाद फिर आपने जो है ना इसमें मसाले शामिल करने हैं। इसमें जाएगा चिकन पाउडर, जाएगा चिकन स्टॉक पाउडर भी डाल सकते हैं, बुलियन पाउडर भी डाल सकते हैं, फिर इसमें जाएगा जी पेपरिका पाउडर और साथ में जाएगा अनियन पाउडर। गार्लिक हमने ऑलरेडी शामिल कर लिया है इसलिए हम गार्लिक पाउडर शामिल नहीं करेंगे, काली मिर्च और नमक, वही ये इसकी जो है ना ड्रेसिंग है, और सोया सॉस। तो इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, मिक्स करके अच्छी तरह से पका लेना है। उसके बाद इसमें भी जो है ना वही हमने अपनी जो है ना सब्जियां शामिल कर लेनी है, आप चाहें तो सब्जियां ना भी शामिल करें, आपकी मर्जी, आप चाहें तो एक शिमला मिर्च खाली शामिल कर सकते हैं या खाली कैबेज भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने सारी शामिल कर ली थी, कटी पड़ी भी हुई थी, तो मैंने कहा अच्छा एक डिफरेंट फ्लेवर भी आ जाएगा और सब्जियां भी जो अच्छी होती हैं वैसे भी सेहत के लिए, तो मैंने वैसे ही जो है ना फिर इसमें सब्जियां मिक्स कर दी थी। तो ये बहुत ही मजेदार की, इसका बहुत बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट था नॉर्मल से, क्योंकि इसमें चिकन पाउडर है, पेपरिका है और इसमें जो है वो अनियन पाउडर है, तो और उससे बहुत डिफरेंट टेस्ट आ जाता है, और हरी मिर्चें भी थी इसमें, सॉरी मैं भूल गई थी, हरी मिर्चें। और फिर जो है ना आपने इसमें डाल देने हैं सब प्याज ज्यादा से, बहुत मजे का। मैं लास्ट पे डालती हूँ क्योंकि प्याजों को इतना ज्यादा कुक करने की जरूरत नहीं होती, और ये चीजें जो है बाद में भी जो फ्राई होती हैं या एयर फ्राई करनी है वो आपकी मर्जी है। तो बस इसको भी जो है ना मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, आप चाहें तो इस टाइम भी चीज शामिल कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ कि मैं जब ये ठंडा होता है ना उसके बाद इसके अंदर जो है ना वो चीज शामिल कर लेती हूँ। तो ये दोनों जो है मैंने वो देखा आपको ग्रीन प्याज नजर आ रहे हैं, मैंने उसमें मिक्स कर लिए थे,
तो इन दोनों को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, और इनमें जो है ना, मैंने कहा तब तक जो है ना मैं अपनी चीज भी निकाल के मैंने बाहर रख दी थी, और ठंडा होने के बाद जो है ना इस मिक्सचर में मैंने चीज शामिल कर दी थी। मैंने मोजरेला शामिल की थी, आप चाहें तो चेडर भी शामिल कर सकते हैं, आप चाहें तो दोनों भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो उस आप पकाने के टाइम भी शामिल, उससे क्या होगा वो मेल्ट हो जाएगी तो वो जरा स्टिकी स्टिकी सा हो जाएगा आपको, और इस टाइम करेंगे तो आपका फ्राई करके टाइम वो मेल्ट होगी तो वो फ्लेवर आएगा। तो बस वही, जैसे हमारी पुरानी फोल्डिंग टेक्निक है वही है, बस ये इसको थोड़ा टाइट करने के लिए थोड़ा पीछे की तरफ फोल्ड करना पड़ता है। तो ये आई एम श्योर सबको माशाल्लाह फोल्ड करना आता है, इतने हम प्रो हैं स्प्रिंग रोल बनाने में, हमेशा बनाते हैं। और मैंने जो है ना छोटे साइज के बनाती हूँ, मैं बड़े नहीं बनाती, मुझे छोटे जो है ना वो ज्यादा प्रेफरेबल लगते हैं। एक जो है वो बंदा एक भी खा ले इट्स मोर देन इनफ, बड़ा जो है मेरे लिए वो साइज ज्यादा बड़ा हो जाता है। उसके बाद जो है इनको जो हमने का स्टोर कर लेना। अच्छा, इनको आपने उसी वक्त पेपर बैग में डाल के, शॉपर बैग में, जिप लॉक बैग में डाल के उसी वक्त फ्रीज करना है। आपने इनको बगैर अंदर डाले या बॉक्स में डाले बगैर फ्रीजर में नहीं रखना, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और फिर ये खराब हो जाते हैं, ठीक है। आप उसी वक्त जिप लॉक बैग में डाल के, अलग अलग ऐसे होते हैं ना फिर, ये कोई नहीं एक दूसरे के साथ जुड़ते, आराम से इंडिविजुअल फ्रीज हो जाते हैं। बस आप इनको फ्लैट सर्विस पे रखें सीधा करके, ताकि ये ना एक दूसरे के साथ ना चिपके। एक बार फ्रीज हो जाए तो फिर आप बेशक इनकी स्टैंडिंग पोजिशन कर ले जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन फ्रीज करते वक्त आपने इनको ऐसे इंडिविजुअल ही ले डाउन करना है। उसके बाद थोड़े से हम खाएं ना, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा हम जरूर चखेंगे, क्यों नहीं चखेंगे, इतनी मेहनत किया हमने। ये मेरे माशाल्लाह ना 60 रोल्स बन गए थे, एंड देयर मोर देन इनफ फॉर द होल मंथ। उसके बाद मैंने सोचा कि डीप फ्राई नहीं करती, एयर फ्राई करके देखती हूँ कैसे बनते हैं। तो एयर फ्राई भी अच्छा हुआ था, मैंने ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो ऑयल लगा दिया था उनको। ये जो गोल वाले पेपर है ये मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन, तो ये साइज थोड़ा छोटा आ गया, लेकिन दे आर गुड, देयर फाइन, 6 दिरहम के 100 मिल गए मुझे। अच्छा, फिर अहमद भी आ गए उतनी देर में, तो मैंने कहा आप ट्राई करें। मैं ये बड़ा वाला जो था ये मैंने एक बनाया था वो चीज वाला, और छोटे भी मिक्स थे उसमें मुझे पता नहीं था। चीज वाला ज्यादा उनको पसंद आता है हमेशा, जिस भी कोई भी हम डिश बनाओ उसमें चीज अगर इंक्लूड होती है ना तो उनके मजे हो जाते हैं, उनकी फेवरेट है चीज वाली जो रेसिपीज होती है ना। अच्छा, पर्सनली मुझे ना ये जो रोज है वो डीप फ्राइड ही पसंद है। एयर फ्रायर में बन तो बिल्कुल ठीक गए थे, क्रिस्पी भी बने थे, कलर भी थोड़ा आ गया था उनके ऊपर, सही आ गया था, लेकिन आई डोंट नो, पता नहीं डीप फ्राइड चीजों का जो मजा होता है वो एयर फ्रायर में आता नहीं है, तो कुछ चीजें वही कर लेनी चाहिए। एनीवेज, अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई चीजों के साथ, नई बातों के साथ, नई रेसिपीज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।